योगा फॉर आइसोलेशन। जय हिंद। नमस्कार। योग का अभ्यास करने से पूर्व विशेष सावधानियां। कोई भी अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार और लयबद्धता से करें। श्वास प्रश्वास पर विशेष ध्यान दें और शरीर में ऊर्जा का संचार करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। प्रथम अभ्यास। दाहिने हाथ की मदद से गर्दन को दाहिनी और बाएं हाथ की मदद से गर्दन को बाईं ओर का अभ्यास करें। दोनों हाथों की मदद से गर्दन को व अंगूठे की मदद से पीछे करें। इसका अभ्यास 3 से 4 बार करें। अगला अभ्यास। दोनों हाथों की मदद से कंधे स्ट्रेच करें। इसका अभ्यास 4 से 5 बार करें। कोहनियों की मदद से शोल्डर को स्ट्रेच करें। यह अभ्यास 3 से 4 बार करना है। अगला अभ्यास। पांव को सीधा करें और पहले बाएं फिर दाहिने पंजे का स्ट्रेचिंग करें। अगला अभ्यास। पांव को समांतर दिशा में खोलें और हाथों की मदद से कमर का अभ्यास करें। अगला अभ्यास। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, कमर को बाएं से दाएं ट्विस्ट करें। इसका अभ्यास 5 से 6 बार करें। अगला अभ्यास। दोनों हाथों की मदद से पहले बाईं जंघा का फिर दाहिनी जंघा का स्ट्रेच करें। दोनों हाथों की मदद से घुटने मोड़े, पांव को छाती के पास लाएं और स्ट्रेच करें। अगला अभ्यास। धीरे धीरे फिगर 8 बनाकर वॉकिंग या रनिंग करें। इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट करें। अगला अभ्यास। एक स्थान पर खड़े होकर स्पॉट रनिंग करें। इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट करें। अगला अभ्यास। पांव को समांतर खोलें और दोनों हाथों की मदद से कमर से ऊपरी हिस्से को पहले आगे फिर पीछे झुकाएं। इसका अभ्यास 10 से 12 बार करें। अगला अभ्यास। दोनों हाथों की मदद से पहले साइडवेज फिर आगे पीछे स्पॉट जंप करें। इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट करें। वहीं से कमर व हाथों की मदद से स्पॉट ट्विस्टिंग करें। इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट करें। अगला अभ्यास। दोनों हाथों से चारपाई को पीछे की ओर पकड़े और भुजाओं का व्यायाम करें। वहीं से आगे आते हुए दोनों पैर चारपाई पर रखें और दोनों हाथों की मदद से 15 से 20 पुशअप लगाएं। अगला अभ्यास। हाथों की मदद से चारपाई को पकड़े, पहले पांव को सीधा रखते हुए पांव को ऊपर नीचे साइडवेज दाहिने बाएं अभ्यास करें। ये 1 से 2 मिनट करें। अगला अभ्यास। दाहिने पांव को घुटने से मोड़े
और पांव के तले को बाएं पांव की जंघा पर रखें और दोनों हाथों की मदद से वृक्षासन की अंतिम अवस्था में रुके। इसका अभ्यास दूसरे पांव से भी करें। यह जंघा एवं पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मानसिक संतुलन बढ़ाता है। अगला अभ्यास, पांव को समांतर दिशा में खोले और हाथों की मदद से त्रिकोणासन की अंतिम अवस्था में रुके। इसका विपरीत दिशा में भी अभ्यास करें। यह मेरुदंड को लचीला बनाता है। यह कमर दर्द में लाभकारी है। यह शरीर का संतुलन बढ़ाता है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, गर्दन व रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान हो, वे इसे न करें। अगला अभ्यास, बाईं ओर मुड़े, पैरों को खोले और बाएं पैर के घुटने को मोड़े और हाथों की मदद से वीरभद्रासन की अंतिम अवस्था में रुके और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करें। यह गर्दन, कंधे, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और खिंचाव लाता है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह साइटिका से राहत दिलाता है। गर्दन, कंधा व घुटने के दर्द से परेशान, इसे ना करें। हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग से परेशान भी इसे ना करें। अगला अभ्यास, वज्रासन में बैठें और दोनों हाथों की मदद से शशांक आसन की अंतिम अवस्था में रुके। यह तनाव और क्रोध कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि एवं कब्ज से मुक्ति दिलाता है। इससे पाचन क्रिया सरल होती है। हाई ब्लड प्रेशर, पीठ व घुटनों के दर्द से परेशान, इसे न करें। अगला अभ्यास, पीठ के बल लेटे और हाथों की मदद से कमर को पकड़े और पांव को सीधा आसमान की तरफ उठाएं और सर्वांगासन की अंतिम अवस्था में रुके। यह बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है। यह कब्ज और भोजन के उपरांत अपचन को कम करता है। यह हर्निया से पीड़ित के लिए लाभकारी है। हाई ब्लड प्रेशर से परेशान, इसे ना करें। अगला अभ्यास, दोनों पांव को घुटने से मोड़े, एड़ियों को पकड़े और कमर उठाते हुए सेतु बंधासन की अंतिम अवस्था में रुके। यह पैरों एवं पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह उदर के अंगों में कसावट लाता है। यह पाचन क्षमता को बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। गर्भवती महिलाएं या अल्सर और हर्निया से परेशान लोग इसे ना करें। अगला अभ्यास, दोनों पांव को समांतर जोड़े और क्षमता के अनुसार उठा के कमर व हाथों की मदद से नौकासन की अंतिम अवस्था में रुके। यह कमर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह कब्ज को दूर करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह श्वसन की क्षमता को बढ़ाता है। हिप या कमर के दर्द से परेशान, इसे न करें। अगला अभ्यास, पेट के बल लेटे दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए जंघा के पास ले जाए पांव को
क्षमता के अनुसार उठाते हुए शलभासन की अंतिम अवस्था में रुके। यह पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। यह पाचन में लाभकारी है व कब्ज को दूर करता है। यह फेफड़ों के लिए शक्तिदायक है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय विकार और दमे से परेशान इसे न करें। अगला अभ्यास, घुटनों को मोड़े दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़े और धनुरासन की अंतिम अवस्था में रुके। यह कमर व पीठ की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इससे मांसपेशियों की दुर्बलता दूर होती है। यह कब्ज और पित्त विकार दूर करने में सहायक है। रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान इसे न करें। अगला अभ्यास, वज्रासन में बैठें, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करें। तत्पश्चात हथेलियों का आपस में घर्षण करें और दोनों हथेलियों को चेहरे पर रखें। शरीर में हुए बदलाव और ऊर्जा का अनुभव करें। इस मॉड्यूल में दिखाए गए आसनों के अलावा आप अपनी क्षमता और विवेक के अनुसार बदलाव कर सकते हैं तथा अभ्यास के अंत में प्राणायाम और ध्यान भी कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें। जय हिंद।